हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आवास फाइनेंस को, जो कि हाउसिंग सेक्टर से आती है। और इसमें हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग डे में तकरीबन 3.5% की शानदार रनअप देखी थी और ये करीब करीब 100 रुपये ऊपर जा कर के क्लोजिंग दिया था। और क्लोजिंग देते समय इसका जो भाव था दोस्तों, वो 2,866 रुपीज देखने को मिल रहा है। तो जो आवास फाइनेंस में, जो कि हाउसिंग सेक्टर से आने वाली एक अच्छी कंपनी है, तो जो तेजी बन रही है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या ये स्टॉक इन स्तरों से टूट जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा दोस्तों हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोग लगातार समझते आते रहते हैं। और जो भी व्यूअर्स, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वे इन सारी बातों को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल के ऊपर और ये नहीं जानते हैं, तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियो रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देर ना करते हुए फटाफट आवास फाइनेंस के जो कुछ टेक्निकल डेटा हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 52 वीक हाई की बात करें तो ये 3,068 रुपये देखने को मिल रहा है और 52 वीक लो तकरीबन 1,450, यानी कि ये अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पर जा कर के ये ट्रेड कर रहा है, डबल हो चुका है ये शेयर। तो जब तक किसी भी कंपनी के फंडामेंटल मजबूत नहीं हो, वो 2 गुना रिटर्न नहीं दे सकता है 52 वीक में, यहाँ तो ये स्पष्ट हो जा रहा है। इसका मार्केट कैप 22,617 करोड़ देखने को मिल रहा है और मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम, लगभग 50% से भी कम, 10,170 करोड़ रुपये के देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 6.66 देखने को मिल रहा है और ये S&P BSE 500 इंडेक्स में ट्रेड करता है और इंडस्ट्री हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से आती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके चार्ट को एक बार देखते हैं कि चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि चार्ट पर ये स्टॉक काफ़ी बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर अपटिक देखने को मिल रहा है और अगर ओवरऑल इसके चार्ट पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये स्टॉक देखिए लगातार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना करके ये चलता है। और ये तकरीबन देखिए यहाँ पर दोस्तों 3100 रुपये के आसपास इसने लाइफ हाई बनाया था, उसके बाद इसमें लगातार सेलिंग चल रही थी। और जब इसमें सेलिंग चल रही थी दोस्तों, उस समय से हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं और इसके फंडामेंटल को लगातार चेक कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यही पाया था कि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और इस शेयर में कभी भी बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है और इस शेयर में तेज रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अपने न्यूनतम स्तर से ये शेयर काफ़ी रिकवरी दे चुका है। तो अब बात आती है दोस्तों कि अब इन स्तरों से वापस क्या ये लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार हो गया है, तो हम लोगों को कौन से लेवल को वॉच करना पड़ेगा और वो लेवल मीट होते हैं तो आने वाले दिनों में आवास फाइनेंस के जो टारगेट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा अब हम लोग इस वीडियो के आगे में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी किस प्रकार से अपने एनुअल रिजल्ट लेकर के आई है, बिजनेस को ग्रो की है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आवास फाइनेंस के जो सेल्स ग्रोथ हैं लास्ट 5 ईयर्स में 42% CAGR के रेट से बढ़े हैं। वहीं अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में ये 55% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये इनके सेल्स ग्रोथ 31% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 46% CAGR के रेट से बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं और लास्ट 3 ईयर्स में इनके जो शेयर प्राइस हैं वो 61% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देखें। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ट्रिमेंडस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी हाई ग्रोथ से ये कंपनी अपने
जो टर्नओवर है वो बढ़ा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है, उसी प्रकार से इसके जो स्टॉक प्राइस भी है वो 61% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये है तो दोस्तों लंबे समय का नज़रिया कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में यानी क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी किस प्रकार का रिजल्ट हम इन्वेस्टरों के सामने लेकर के आई है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में ये 325 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में 272 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब है दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके जो सेल्स हैं उसमें हम लोगों को अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से मिलान करें तो लास्ट ईयर ये मात्र 270 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार बढ़कर के 325 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले या ईयर ऑन ईयर बोले इनके जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी ग्रोथ में देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि सेम पीरियड में इनके नेट प्रॉफिट बढ़े या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनके जो नेट प्रॉफिट हैं सितंबर क्वार्टर में 92 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि जून क्वार्टर में मात्र 60 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने रिवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट में भी इनके ग्रोथ देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर इनके सितंबर क्वार्टर में 66 करोड़ नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि इस बार बढ़कर के 92 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आवास फाइनेंस के जो क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से एनुअल रिजल्ट हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले थे। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से कोरोना की जो गतिविधि है अब काफ़ी कम हो गई है, इसके जो इम्पैक्ट थे अब धीरे धीरे हम लोग कम होता हुआ देख रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो कंपनी कोरोना पीरियड में भी अपने सेल्स ग्रोथ को मेंटेन की करके रख पाई है वो अच्छे समय में भी और अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगी और इसके नेट प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और सेल्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस तो बहुत अच्छा कि ये कंपनी इसके बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़े कि नहीं, तो उसे भी देखना अहम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनके रिजर्व लगातार देखिए ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हर मामले में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि इसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्वार्टर थ्री के भी रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो इस आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो तेजी आवास फाइनेंस में चल रही है ये तेजी आने वाले समय में भी जारी रहेगी। तो कौन से लेवल हैं दोस्तों जहाँ की हम लोगों को वॉच रखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। तो एक लेवल दोस्तों जो निकल करके सामने आ रहा है ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींचा, इसे थोड़ा हम लोग थिकनेस बढ़ा लेते हैं, हम लोगों ने कलर भी चेंज कर लिया और थिकनेस भी बढ़ा लिया है। और एक लेवल दोस्तों और हम लोग खींच लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी हैं जो दो लेवल के काम कर रहे हैं। तो कौन सा लेवल है दोस्तों जहाँ की हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए हम एक प्राइस टैग लगाते हैं। तो ये लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 2910, आप इसे नोट डाउन कर लें। जब भी ये स्टॉक इस लेवल को पार करेगा तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये काफ़ी ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश करेगा। और फिर जो सेकंड लेवल है जिस पर कि हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए दोस्तों, वो कौन सा लेवल है, तो उसके लिए यहाँ पर एक और प्राइस टैग लगाते हैं 3076। तो आप इन दोनों लेवल को दोस्तों नोट डाउन कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों ही जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस हैं वो दोनों के दोनों टूटते हुए नज़र आएंगे और ये स्टॉक इन स्तरों से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा ये कंपनी रिजल्ट लेकर के आ रही है। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट होगा तो टारगेट कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाने होंगे, उसके बाद फिर हम लोग टारगेट पर बात करेंगे।
दोस्तों हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं और जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है आवास फाइनेंस में, उसे दोस्तों एक हम लोग प्राइस लेवल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लेवल है दोस्तों, ये हम लोग लगा रहे हैं, ये रहा, ये जो पहला टारगेट आएगा आवास फाइनेंस में 3532 का लेवल है। तो हम लोग दोस्तों तीन लेवल की बात किए, दो रेसिस्टेंस की और एक टारगेट की। ये शॉर्ट पीरियड का टारगेट है दोस्तों, हम लोग जल्द ही उम्मीद करेंगे कि आवास फाइनेंस में जिस प्रकार की तेजी बन रही है वो जल्द ही हम लोगों को ये स्टॉक 3500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तब तक दोस्तों हम लोग इंतजार करेंगे और जब 3500 का लेवल ये स्टॉक छुएगा तो हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उस समय और क्या टारगेट हो सकते हैं उस समय के हिसाब से हम लोग इसके प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग वेट करेंगे दोस्तों। और अगर आपके भी पोर्टफोलियो में आवास फाइनेंस के शेयर हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें कि आपने किस प्राइस पर परचेज किया और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आवास फाइनेंस इन स्तरों से कहां तक जाकर के अगले 1 से 2 सालों में ट्रेड कर सकता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपने जो विचार हैं उससे मेरे साथ साझा करें और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।